मार्केटिंग प्लान को सुनने के लिए, समझने के लिए, एहसास करने के लिए। तो आप सभी पूरी तरीके से रहें तैयार। मैं बस यही चाहूंगा कि आज एक एक रणनीतियों को बेहतर तरीके से आप सभी एहसास करें। मार्केटिंग प्लान और भी कैसे मजबूत हो गया है ये आप एहसास कर पाएंगे जब सर के मुखारविंद से आप सुनेंगे। तो डायरी और पेन की व्यवस्था आप सभी रखें। रेनेटस वेलनेस ने जिस कीर्तिमान को स्थापित किया है, रेनेटस वेलनेस ने जिस लेवल को प्राप्त किया है 3 सालों के दरमियान, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के सफर को तय करने में लगभग 12 साल 15 साल का वक्त लगा। हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जुलाई 2018 में सफर प्रारंभ करने के बाद ना जाने कितनी चुनौतियां आई होंगी, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करते हुए 153 करोड़पति बने पूरे भारतवर्ष में। और रेनेटस वेलनेस ने एक प्रोडक्ट के बदौलत इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, तो किन पहलुओं को अंडरस्टैंड करते हुए कार्य को अंजाम तक पहुंचाया गया, मैं शॉर्ट में आपके समक्ष रखता हूं। और आज प्रॉपर प्रोडक्ट की शॉर्ट ट्रेनिंग डिलीवर मैं करूंगा और मार्केटिंग प्लान की पूरी इंफॉर्मेशन गुरतेज सर शेयर करेंगे। तो आज जैसी ट्रेनिंग यकीनन आपने देखी जरूर होगी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन मोड को अंडरस्टैंड करने की जो कैपेबिलिटी आज की ट्रेनिंग में निखर कर सामने आएगी, ये आपने कभी महसूस नहीं किया होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। अगर अभी भी आपने अपनी पूरी टीम को आमंत्रित नहीं किया है तो आप अपनी पूरी टीम को आमंत्रित करें। अभी भी पूरे भारतवर्ष से अगर आपने अपने पूरे प्रोस्पेक्ट्स को आमंत्रित नहीं किया है तो ये ब्लॉकबस्टर सैटरडे है। आज जैसी ट्रेनिंग रेनेटस वेलनेस में शायद ही आपने कभी सुनी होगी, क्योंकि अपडेटेड मार्केटिंग प्लान के साथ में प्रोडक्ट का कॉम्बो आपको एहसास करने का मौका मिलेगा। यकीनन आओ बढ़ाएं एक और कदम रेनेटस वेलनेस के संग। मैं उन सभी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को आमंत्रित करता हूं, उन सभी अंडर एम्प्लॉयड भाइयों को आमंत्रित करता हूं, उन सभी अनएम्प्लॉयड भाइयों को आमंत्रित करता हूं जो जिंदगी में जरूरतों की जिंदगी में उलझे हुए, चाहतों की जिंदगी की परिकल्पना भी नहीं कर पा रहे। आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेनेटस वेलनेस, जहां पे अपने पूरे करियर को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं चंद बुनियादी फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हुए। भारत बीमारों का देश बनता हुआ जा रहा है। 6 करोड़ 84 लाख से ज्यादा लोग डायबिटीज के पेशेंट है, 4 करोड़ 52 लाख से ज्यादा थायराइड के पेशेंट है, और अकॉर्डिंग टू WHO 1 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोग पूरे भारतवर्ष में कैंसर के पेशेंट बनते जा रहे हैं। वक्त हालात परिस्थितियों ने जकड़ रखा है लोगों को बीमारियों के आगोश में, क्योंकि हवा भोजन पानी तीनों प्रदूषित है और तीनों को संतुलित करने का कोई रास्ता दूर दूर तक दिखना है। दिखने का एक ही मार्ग है, डिटॉक्सिफिकेशन इन प्रॉपर वे, लेकिन हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग इतनी ज्यादा होती है कि वो नेचुरल वे में बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होता, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा हो। तो रेनेटस वेलनेस ने जो 2018 में नींव रखी, उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट को सबसे सस्ते दरों पर उपलब्ध करा दिया। भारत की जरूरत क्या है? फूड सप्लीमेंट चाहिए, हवा भोजन पानी प्रदूषित है, लेकिन उतना पैसा लोग कमा ही नहीं रहे हैं कि महीने में 10,000 15,000 20,000 रुपए लोग फूड सप्लीमेंट के ऊपर खर्च करें। तो रेनेटस ने एक पहल किया कि हम क्वालिटी में समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि क्वालिटी जब तक अव्वल दर्जे का नहीं होगा तब तक हम लोगों के हृदय में राज नहीं कर सकते। तो कंपनी ने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी को आप सभी के समक्ष पहुंचाया, उच्चतम गुणवत्ता की बातों को एहसास कराया, फील कराया, क्वालिटी आप सभी के समक्ष रख दिया, और सबसे बड़ी बात कि सबसे सस्ते दरों पर 120 कैप्सूल फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लीफ के सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन की बदौलत शायद ही भारत की किसी दूसरी कंपनी में आपने देखा होगा। दावा करना अलग है, वास्तविकता होना अलग है। 1 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक, किसी को डायबिटीज, किसी को कैंसर, किसी को थायराइड, किसी को अस्थमा, किसी को बाल्डनेस, किसी को इंपोटेंसी, प्रीमेच्योर एजेकुलेशन, ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है। हम आंखों में आंखें मिला के कहते हैं कि ना हमारी प्रोडक्ट दवाइयां है ना हम डॉक्टर है, फिर भी सारी समस्याओं का समाधान प्रॉपर वे में हो जाता है। तो आपको करना क्या है, एक प्रोडक्ट पे 153 करोड़पति अगर बन गए तो 3 प्रोडक्ट है कंपनी के पास, आप भी 1 साल 1.5 साल 2 साल के दरमियान करोड़पतियों की श्रेणी में आ सकते हैं। तो करना बस यही है, इसकी गुणवत्ता को आंखों में आंखें मिलाकर रिप्रेजेंट करने की काबिलियत को सीखना है। जिसने भी आपको आमंत्रित किया है, ट्रेनिंग के तुरंत बाद उनसे बात करें,
इनके बेसिक फीचर्स को आप अंडरस्टैंड करें, आपकी जीत सुनिश्चित हो जाए। रंगड़ा सुनोवा, जैसा कि मैंने बताया 120 कैप्सूल फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लीफ के कॉम्पोजिशन के साथ एक ही डब्बे में डाल दिया गया। एक ऐसा कॉम्पोजिशन जिसकी जरूरत सिर्फ भारत देश को ही नहीं है, पूरे विश्व को है। मैं फिर से दोहराता हूं, ये वो प्राकृतिक तत्व है जिन प्राकृतिक तत्वों की पूर्ति से सारी समस्याओं का अंत किया जा सकता है। बीमारियां समस्याएं कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगी अगर आपने इन कॉम्पोजिशन का प्रयोग किया। और गलती से अगर आप बीमार हो चुके हैं तो जिन वजहों से वो बीमारियां हुई थी उन वजहों को अगर पूरा कर दिया जाए, यानी कि विटामिन मिनरल एंजाइम फाइबर जिनकी डिफिशियंसी के कारण आप उन गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, अगर उस भोजन की पूर्ति, उन विटामिन्स की पूर्ति, उन मिनरल्स की पूर्ति अगर आपके शरीर में करा दी जाए तो यकीनन उस समस्या से आप बाहर भी निकल सकते हैं। तो बस इन्हीं बेसिक नीड्स को आइडेंटिफाई करके पूरे भारतवर्ष में इसने क्रांति की शुरुआत की। आज जिस दिग्गज को सुनने आए हैं, इन्होंने अकेला सफर प्रारंभ किया था एक वक्त में जब निरंतर कर्मों का तूफान उत्पन्न करना इन्होंने प्रारंभ किया था। ना जाने कितने लोगों ने ना बोला, ना जाने कितने लोगों ने इन्हें कहा कि एक प्रोडक्ट वाली कंपनी अभी तो कंपनी लॉन्च हुई है, ये भाग जाएगी कंपनी, ये क्या टिकने वाली है। अकेला चलने का संकल्प लिया था इन्होंने पंजाब की सरजमी से, और अकेले चलते 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 100 से ज्यादा करोड़पति बना दिए इन्होंने। ये खुद क्या बने ये तो इनके मुखारविंद से आप सुनेंगे, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि इन्होंने 100 से ज्यादा करोड़पति बना दिए सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट की बदौलत। तो इसकी गुणवत्ता क्या है आप ये एहसास कर सकते हैं। लोग लाखों रुपए कमाने में ना जाने कितने पापड़ बेलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, इन्होंने महीने में 20 लाख 30 लाख रुपए कमाने वाले लोगों को तैयार कर दिया। ये इसी दिग्गज का नाम है सरदार गुरतेज सिंह, जो आज रणनीतियों से आपको रूबरू कराएंगे और अपडेटेड मार्केटिंग प्लान की जानकारियों को साझा करेंगे आपके साथ। मैंगोस्टीन विटामिन B9 की संरचना के कारण ये अद्वितीय अकल्पनीय हो जाता है। जो कितना भी पुराना ल्यूकोडर्मा का प्रॉब्लम हो, सफेद दाग, उसको उसके अलावा दांत घाट खुजली एड़ियों की फटने की समस्या, बाल्डनेस की प्रॉब्लम, खून ना बनने की समस्या को ये पूरी तरीके से क्योर करने की एबिलिटी रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दवाइयां नहीं है। मक्का रूट की बात करूं तो विटामिन B6 की कॉम्पोजिशन जब GLA ब्लैक करंट के GLA के साथ जब ये कनेक्ट होता है, पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस के साथ कनेक्ट होता है, तो कितना भी पुराना इंपोटेंसी का कंडीशन हो जिसको नपुंसकता बोलते हैं, भारत में 20-30% शादियां सिर्फ इस वजह से भी टूट जा रही, बहुत गौर करने वाली बात है। ये लोग बताते नहीं है, छिपाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं जितने लोगों को आप जानते हैं जो इन समस्याओं से ग्रसित, आप गर्व से बता सकते हैं कि हमारे पास रेनेटोसोमा है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके मकारों के कॉम्पोजिशन को आप रिकमेंड कर सकते हैं। ये प्री मेच्योर एजुकुलेशन की कंडीशन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, यानी कि शीघ्र पतन की कंडीशन में, ये नाइट इमिशन की सिचुएशन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जिसको आप कहते हैं स्वप्न दोष। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट इसके मिलते हैं आपको, बहुत ही नेचुरल कॉम्पोजिशन जो दवाइयां नहीं है, जिन वजहों से, जिन विटामिन, जिन मिनरल्स की डिफिशियंसी से, जिसकी कमी से वो बीमारियां हुई है, उसको ये पूरा करता है। इसीलिए आप उन समस्याओं से बाहर निकल जाते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये कंपनियां, ये रेनेटस वेलनेस ना दवाई बनाती है ना बताने वाला कोई भी डॉक्टर है, फिर भी ये सारी समस्याएं ठीक हो रही है प्रकृतिक तत्व की कॉम्पोजिशन की बदौलत। इसकी और विशेषताओं की बात करूं तो थायराइड की कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करता है, हेयर फॉल की कंडीशन में भी ये मकारूट बहुत ही अच्छा काम करता है। साइबर एंजन की बात करूं तो विटामिन B12 और विटामिन डी के सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन जब सियानिडिन के साथ कनेक्ट होते हैं और ज़ेनोफोन से मदद लेते हैं, तो उस वक्त ये अर्थराइटिस की कंडीशन में, यानी कि घुटने से रिलेटेड कितना भी गंभीर चैलेंजेस हो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। शरीर में कहीं भी कितना भी गंभीर स्वेलिंग हो, सूजन जिसको कहते हैं आप, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। डिस्पेप्सिया की कंडीशन में, भूख ना लगने की समस्या में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये यूरिनरी ट्रैक के चैलेंजेस को भी ठीक करता है। कितना भी पुराना सर्दी खांसी बुखार हो, एलर्जी हो, एल्डरबेरी उन एलर्जीज को रेगुलेट करने का काम करता है, स्प्रेड नहीं होने देता, किसी भी इंफेक्शन को आपके शरीर में बढ़ने नहीं देता, सारे इंफेक्शन को सिकुड़ने पर मजबूर कर देता है, खत्म करने पर मजबूर कर देता है। जो नए आए हैं, जो पहली बार आए हैं, उनको यह सुनकर प्राउड फील हो रहा होगा
कि ये वो कॉम्पोजिशंस हैं जिन कॉम्पोजिशंस की पूर्ति के साथ में सारी समस्याओं का अंत हो जाता है, यानी कि बॉडी को सर के बाल से पैर के नाखून तक ये पूर्णतया स्वस्थ कर सकता है। अगर आप बीमार हैं तो बीमारी से बाहर निकल जाएंगे, अगर आप बीमार नहीं हैं तो जीवन में कभी बीमार नहीं होंगे अगर आपने इसका प्रयोग किया तो। ये प्रोडक्ट की ताकत है। मैं आपसे कहता हूं आप इस कंपनी के सदस्य बने या ना बने, एक बार प्रोडक्ट यूज करके तो देखे, ताउम्र के लिए आप दीवाने हो जाएंगे इस कंपनी के। रास्पबेरी एक ऐसा कॉम्पोजिशन जो कैंसर, हार्ट डिजीज, पार्किंसन, वेट कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा सहायक भूमिका अदा करता है, सहायक की भूमिका अदा करता है। ये डेंगू की कंडीशन में प्लेटलेट्स जब डाउन होने लगता है उस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ब्लैक करंट की बात करूं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स की बदौलत ये आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को बहुत ही बेहतर रखता है। ये ट्यूबर की कंडीशन में, टीबी की कंडीशन में आपको बहुत अच्छा काम करता है। ये पैरालिसिस की कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करता है, डायबिटीज टाइप 2 में काम करता है, अस्थमा में काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि दवाइयां नहीं है। जिस प्रकार आप घर में हल्दी का प्रयोग करते हैं वो दवाइयां नहीं है, उसी प्रकार ये भी दवाइयां नहीं है। चोट लगने पर भी आप हल्दी का लगाते हैं, क्या वो दवा है? खांसी बुखार की कंडीशन में कभी कभी आप लौंग का इस्तेमाल करते हैं कि ज्यादा खांसी हो रही है, खसखस की आवाज आ रही है, तो आप लौंग का प्रयोग कर लिया आपने जिससे खांसी कंट्रोल में आने लगी, है होम रेमेडीज। उसी प्रकार ये वो प्राकृतिक तत्व है जिन प्राकृतिक तत्वों की अगर पूर्ति हो जाए शरीर में तो सारी डिफिशियंसीज को नष्ट करने की एबिलिटी अकेला रखता है। तो ये बैकबोन पर्सनालिटी है रेंडस वेलनेस का ब्लैक करंट। सॉर चेरी, सियानिडीन और क्लोरोजेनिक एसिड के बेसिक कंपोजिशन की वजह से जिनको नींद ना आने की समस्या, बहुत लोग ऐसे हैं जो नींद के लिए तड़पते हैं, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, उनके लिए ब्रह्मास्त्र है। जिनके शरीर में गांठ भरा हुआ है, बहुत लोग का गांठ कैंसर का रूप ले लेता है, उनके लिए ये जबरदस्त कॉम्पोजिशन है। ये अर्थराइटिस की कंडीशन में भी काम करता है, ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को भी ठीक करता है, बीपी के कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। गैनोडर्मा लुसिडियम कैंसर, डायबिटीज, लीवर से रिलेटेड चैलेंजेस को ये पूरी तरीके से क्योर करने की एबिलिटी रखता है। सिगुरु की बात करूं तो 4000 वर्ष पुराना इसका इतिहास रहा है। फॉलिक एसिड के साथ में बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई की सारी संरचना इसके साथ मौजूद है। ये डायबिटीज में, यूरिनरी ट्रैक के किसी भी चैलेंजेस में, किडनी स्टोन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, हार्ट प्रॉब्लम में रिजल्ट देगा, स्किन से रिलेटेड चैलेंजेस में आपको मदद देगा। एस्कॉर्बिक एसिड की प्रचुर मात्रा इसके अंदर होने के कारण आपके स्किन पे ग्लो भी लाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये दवाइयां नहीं है। सहजन के पत्ते के यूजेस को आप थोड़ा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। तो विश्व के ये 9 इंग्रेडिएंट, विश्व के चुनिंदे ये 9 इंग्रेडिएंट आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। तो जितने लोग आज पहली दफे आए हैं, क्या आपको प्राउड फील हुआ कि ये विश्व के 9 फ्रूट इंग्रेडिएंट्स इसके साथ में कनेक्टेड है? फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लीफ के सेलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स, उच्चतम गुणवत्ता सबसे सस्ते दरों पर। अगर एक प्रोडक्ट के बदौलत पूरे भारतवर्ष में 153 करोड़पति बन सकते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं, अब तो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, 100% नेचुरल कॉम्पोजिशन के साथ, और इतने बड़े बड़े दिग्गज सिखाने वाले हैं। जिस वक्त गुरतेज सिंह जी ने प्रारंभ किया था, जिस वक्त सुब्रतो दत्ता जी ने प्रारंभ किया था, जिस वक्त तपस विश्वास जी ने प्रारंभ किया था, जिस वक्त सुमित देवनाथ जी ने प्रारंभ किया था, जिस वक्त शेखू साहब ने प्रारंभ किया था, उस वक्त सिखाने वाले लिमिटेड लोग थे, गाइड करने वाले लिमिटेड लोग थे, हाथ पकड़ के चलने वाले लिमिटेड लोग थे। इनको ट्रेनिंग खुद तैयार करना पड़ता था, खुद को खुद सिखाना पड़ता था, खुद की उंगली पकड़कर खुद चलना पड़ता था। इनका कोई गॉडफादर उस तरीके से नहीं हुआ करता था। तो इन्होंने उस वक्त में खुद को तैयार करके करोड़ों करोड़पति बन गए, हजारों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। आज तो आपके पास डेली रात 9 बजे महागुरुओं का लाइन लगा हुआ है, डेली आपके हाथ पकड़कर आपको कामयाब बनाने के लिए लोग तैयार है। क्या आप कामयाब नहीं होंगे? अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग में 4 साल 5 साल 10 साल बर्बाद कर दिया, अभी तक आप लाख रुपए भी महीने नहीं कमा रहे हैं, 50,000 भी नहीं कमा रहे हैं, तो रेनेटस वेलनेस आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, आभार प्रकट करता है। जिसके भी माध्यम से आप आए हैं, इमीडिएटली आप उससे ट्रेनिंग के बाद संपर्क करें और उनके रीजनल एग्जीक्यूटिव से बात करें कि सर मैं 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं 4 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, मुझे रेनेटस में कामयाब होना है और मुझे 6 महीने में 7 महीने में 1 साल में कामयाब होना है, मुझे रहस्य बताइए, मुझे सिखाइए, 100% वो आपकी मदद करेंगे। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। जस्ट दिग्गज को आप सुनने आए,
दस महापुरुष को सुनने आए जिन्होंने हजार हजार लोगों की जिंदगी को बदला है और अपडेटेड मार्केटिंग प्लान आपसे साझा करने वाले हैं। अब वक्त हो चुका है उनको आमंत्रित करने का। तो जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप जहां भी हैं उस जगह से स्वागत करें हिंदुस्तान की सरजमी के वो दिग्गज जिन्होंने पंजाब से प्रारंभ किया अपने सफर को और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज उनकी टीम है। आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज जितने घरों में सुबह से शाम तक का भोजन बनता है, जिन्होंने भी इनके साथ एसोसिएटेड होकर कार्य किया है, हर परिवार के एक एक निवाले पर इनका नाम लिखा है, हर निवाले से एक एक दुआएं निकल रही होती है कि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। हे गुरतेज सिंह, आपने मेरी जिंदगी को बदल दिया। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहां से हर वक्त इनके लिए दुआ कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने एक उम्मीद की किरण बनकर उन लोगों की जिंदगी को संवारा है, बनाया है। तो आज आपके पास भी मौका है इनके मुखारविंद से मैं आमंत्रित करता हूं सरदार गुरतेज सिंह, किंग ऑफ पंजाब। सर स्वागत है आपका, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। पूरा भारतवर्ष सर आपका झुककर इस्तकबाल करता है। जय हिंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू ऋषिकेश पाठक जी, थैंक यू। सबसे पहले मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूं ऋषिकेश पाठक जी का, जिनकी वजह से आज आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है मेरे को। स्पेशली थैंक्स सर आपका। और काफी अच्छा लग रहा है आज, काफी समय के बाद आपसे बात हो रही है, क्योंकि मैं टेंशन फ्री हो चुका था। ऋषिकेश पाठक जी ने ये इस चैनल को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। इतने खुश हैं लोग, इतने खुश हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और जब जाके हम बताते हैं ना किसी को कि ये मीटिंग के बारे में आपकी क्या राय है, हर कोई पर्सन इतना खुश है कि सर मजा आ जाता है जब सुनते हैं ऋषिकेश पाठक जी को। तो फ्रेंड, मेरा नाम गुरतेज, बेसिकली मैं बठिंडा पंजाब से बिलोंग करता हूँ और मैं पिछले 3 सालों से रीनर्स वेलनेस में काम कर रहा हूँ। और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा मेरी ग्रेट अपलैंड मिस्टर तापसी विश्वास फ्रॉम कलकत्ता एंड मिस्टर स्मित देवनाथ जी फ्रॉम सिलीगुड़ी और मेरे गुरु जिन्होंने मेरे को त्रासा। वैसे मैं 20 ईयर से नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़ा था, ठीक ठाक अचीवमेंट थी लेकिन संतुष्टि नहीं थी। हर इंसान को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जितने भी दोस्त आज इस मीटिंग में ऐड हुए हैं, जुड़े हैं, आपकी जिंदगी में एक इंसान ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप अपना आदर्श माने, जो भी बात आपको वो बोले वो उस बात को आप मान ले। एक शख्स ऐसा होना चाहिए तो आप जिंदगी में कहां पहुंच जाएंगे आप सोच नहीं पाएंगे। तो 3 साल पहले जिस इंसान को मैंने अपना आदर्श माना था, जिनकी बदौलत से आज मैं इस लेवल पे हूं, उनका नाम है मिस्टर सुब्रतो दत्ता जी। उनके लिए मैं थैंक्स बोलूंगा, कुछ भी बोलूंगा वो शब्द कम है, कुछ बोल नहीं पाऊंगा उनके लिए मैं। उन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया। और रीनर्स वेलनेस के गॉडफादर मिस्टर विकास श्रीवास्तव, जो इंडिया की फर्स्ट एडी हैं, उनका भी स्पेशल दिल से मैं थैंक्स करना चाहूंगा। और मेरी लवली टीम जो मुझे इतना प्यार देती है, इतना प्यार देती है, मैं हैरान हो जाता हूं। मैं किसी को भी कोई बात बोलता हूं, बड़े आदर मान से मेरी बात को मान लेते हैं। स्पेशली मैं सबका थैंक्स करना चाहता हूं। और एक शख्स और है जिन्होंने ऋषिकेश पाठक जी के साथ मेरी मुलाकात करवाई, वो है मिस्टर कैलाश जी। उनका भी स्पेशल मैं थैंक्स करना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा अपने बारे आपको बताना चाहूंगा कि रीनर्स वेलनेस में अगर आप काम करते हैं, आपकी जिंदगी 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में अगर आप टिके रहते हैं, क्या हो सकता है? पहले तो आपने आज एक पर्ण लेना है अपनी जिंदगी में। एक मैंने बात सुनी थी कहीं पे कि सिकंदर को सभी जानते हैं, सिकंदर राजा को, कि जब वो जंगल लड़ने के लिए जाता था
जिस भी पुल से वो क्रॉस करता था उस पुल को तोड़ देता था कि मेरी जो सेना है वो वापस ना आ पाए, वो ये सोचे कि हम ये जंग को जीतेंगे। तो सबसे पहले आपने एक लिस्ट तैयार करनी है आज कि आप जिंदगी में करेंगे क्या, क्या करना चाहते हैं आप। रीनाटस वेलनेस में आप एंटर तो हो चुके हैं, एडी लगाना अलग बात है, काम करना अलग बात है, रिकॉर्ड बनाना अलग बात है। तो एंटर तो आप हो चुके हैं, लिखना यह है कि अगर हम रीनाटस में काम नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ जाएंगे तो क्या करेंगे। प्राइवेट जॉब करेंगे तो क्या आपके सपने पूरे हो जाएंगे, सरकारी जॉब कर लेंगे तो आपके सपने पूरे हो जाएंगे। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं सरकारी जॉब बहुत अच्छी है, मैं बोलता हूं भाई सरकारी जॉब अच्छी है मानता हूं, लेकिन अंबानी के बेटे ने सरकारी जॉब क्यों नहीं की, टाटा ने सरकारी जॉब क्यों नहीं की। अच्छी है मान लेते हैं, हमारी तो जो एजुकेशन है ना वहां भी हमें यही सिखाया जाता है कि अगर बड़े होकर आपको जॉब नहीं मिलेगी, पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपका बनेगा क्या। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको सुन के आश्चर्य होगा, मैं तो खुद ही 8 पढ़ा लिखा हूं। जिंदगी में कामयाब होने के लिए आप थ्योरिकली कितने पढ़े लिखे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप प्रैक्टिकली कितने पढ़े लिखे हैं फर्क उससे पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि इंसान को जो अकल आती है बादाम खाकर नहीं आती, ठोकरें खाकर आती है। प्रैक्टिकली आप जिंदगी में कितना एक्सपेरिमेंट करते हो वहां से आपकी कामयाबी स्टार्ट करती है। आज मैं 8 पढ़ा लिखा जरूर हूं, लेकिन मैं अपने आप को किसी पीएचडी होल्डर से कम नहीं समझता। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज रखेंगे, थ्योरिकली अलग है प्रैक्टिकली अलग है। तो फ्रेंड आज से 3 साल पहले रीनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में मैं एंटर हुआ, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में आज से 20 ईयर पहले एंटर हुआ। जैसे मैं एंटर हुआ नेटवर्क इंडस्ट्री में तो मैंने एक बात देखा कि हमारे घर में जब से मैंने जन्म लिया है तब से लेके अब तक जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो क्या है, हमारे घर में साइकिल था, स्कूटर भी नहीं था, मोटरसाइकिल भी नहीं था। तो जब स्कूटर मोटरसाइकिल लिया तो गाड़ी तो हो ही नहीं सकती। तो मैंने एक बात सोची कि अगर मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में टिका रहता हूं तो क्या होगा। तो जब मैंने पहली कंपनी में काम किया, 2 साल काम करने के बावजूद मेरे को मात्र 209 रुपए का पेआउट आया था, लेकिन मैं टिका रहा, अपने काम के साथ इसको करता रहा नेटवर्क इंडस्ट्री को। क्या करता था मैं काम के साथ, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि काम क्या करते थे। मैं इलेक्ट्रिशियन का मिस्त्री था, मेरी दुकान थी, पंखे मोटर ठीक करता था। और जो शख्स मेरे को नेटवर्क इंडस्ट्री में लेके आए उनका थैंक्स करना भी बनता है, उनका नाम है मिस्टर राजवीर सिखों, जो मेरे को नेटवर्क इंडस्ट्री में लेके आए थे, दिल से थैंक्स करना चाहता हूं मैं उनका। तो काम स्टार्ट किया, पैसा नहीं आया लेकिन टिका रहा। मैंने एक बात देखा कि मेरी जो पहले मेरे फादर साहब हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे परदादाजी हैं, वो उस काम में टिके हैं जहां पे किसी ने कुछ नहीं बनाया, और नेटवर्क इंडस्ट्री में पता नहीं कितने लोगों को करोड़पति बनाया। तो मेरे को क्यों नहीं टिकना चाहिए, अगर पैसा नहीं भी आता तो भी मेरे को टिकना चाहिए, कमी मेरे में है। तो मैं 2 साल वहां पे रेगुलर काम करता रहा, उसके बाद मैंने प्राइवेट जॉब भी की, दोबारा फिर नेटवर्क इंडस्ट्री में आया, पता चला कि कुछ होने वाला नहीं है, काम करना स्टार्ट किया। ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहा जिंदगी में। और जैसे ही तो रीनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में मैं एंटर होता हूं, उस टाइम पे हालात कैसे थे, जिस मकान में बैठ के आज मैं मीटिंग कर रहा हूं, जो मकान मैंने सेल पे लगाया हुआ था, और गाड़ी मेरी सेल हो चुकी थी, मैडम मेरे डिप्रेशन में जा चुके थे, और यही मकान मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री से बनाया था। और मैंने गर्व के साथ मैं बोल सकता हूं कि जो भी मैंने किया है अपनी जिंदगी में वो अपने दम पे बनाया है। कई बार लोग गर्व तो करते हैं, लेकिन बनाया किसने होता है, फादर साहब ने बनाया होता है, तो वहां पे मजा नहीं आता। जब मैं आया था बठिंडा में तो एक ये जो पहने हुए कपड़े थे बस यही थे मेरे पास,
जब मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री में काम स्टार्ट किया तो हर इंसान के साथ जो प्रॉब्लम होती है वो जंग उसकी स्टार्ट होती है अपने घर से। किसी को उसकी मैडम रोक लेती है, किसी को उसके फादर साहब रोक लेते हैं, किसी को उसकी मदर रोक लेती है। तो सबसे जो पहली जंग आपको लड़नी पड़ेगी कामयाब होने के लिए वो आपके घर से स्टार्ट होगी। और जो इंसान अपने घर में हार जाता है बाहर क्या करेगा जाकर, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, घर में ही हार गया। तो जब मेरे को रोका गया कि आप नेटवर्क इंडस्ट्री में काम मत करें, तो मैं घर छोड़ के बाहर रहना स्टार्ट किया। जब बाहर रहना स्टार्ट किया, पैसे नहीं होते थे मेरे पास, हम लगातार 3 मंथ, राजवीर सिखों जी मेरे साथ थे, हम नीचे सोते थे। जब 3 मंथ बाद हम चारपाई लेके आए ना, तो बड़ा मजा आया। तो अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना, जो चैलेंज है ना उसको एक्सेप्ट करें भी, हाँ इसको चैलेंज आ चुका है, कोई बात नहीं, एक दिन ये खत्म हो जाएगा। चैलेंज को खत्म कैसे करना है उसके ऊपर आप काम करें। तो मैंने काम स्टार्ट किया, चलता रहा, ऐसे जिंदगी चलती रही। तो 3 साल पहले रीनर्स वेलनेस में जब मैं एंटर हुआ, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में अप एंड डाउन आना जरूरी है। जब आप डाउन जाएंगे तब आपको सीखने का मौका मिलता है। लेकिन बहुत सारे दोस्त होते हैं जब उनका बिजनेस डाउन चला जाता है वो सीखते नहीं है, टेंशन में चले जाते हैं। टेंशन सीख लेने के नहीं है, उस टाइम पे सीखने की जरूरत है कि क्या कमी रह गई मेरे में जिसकी वजह से मेरा बिजनेस डाउन हुआ, उस कमी को दूर करता हूं तो आगे आप बढ़ जाएंगे। जब जब भी मेरे को जिंदगी में डाउन देखना पड़ा बिजनेस, तो मैंने सीखना स्टार्ट किया कि मेरे में कमी क्या है, उस कमी को दूर किया, तब तब मैंने अपना बिजनेस अप किया। ऐसे ही आपने करना है। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये सोचें कि रीनर्स वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है इसमें फर्स्ट एडी मेरी है, मैंने इसको स्टार्ट किया, बस मेरे ऊपर कोई नहीं है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं पहले आपको 1x1 प्लान करना है, उसके बाद आपको होम मीटिंग करनी है, होम मीटिंग के बाद आपको वीकली मीटिंग करनी है, वीकली मीटिंग के बाद आपको सेमिनार करना है, और सेमिनार के बाद आपको LDP लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है। सब सीख जाएंगे अगर आप सीखना चाहते हैं। लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा सब दोस्तों को, जितने भी लोग मार्केट में आज कामयाब हैं उनसे मिलेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन जो नाकामयाब है उनसे अगर आप मिलेंगे तो आपको एक बात सीखने के लिए मिलेगी। जितने भी नाकामयाब लोग हैं आपको एक ही बात बोलेंगे, वो आप लिखते रहना, कितने नाकामयाब लोगों को आप मिलेंगे ना, एक ही बात बोलेंगे कि मेरी अप प्लान अच्छी नहीं मिली, इस वजह से मैं नाकामयाब हुआ। और ये सच नहीं है। मान के चलो आपने काम स्टार्ट किया, आपकी अप प्लान अच्छी नहीं है, जैसी आपने 1% लेफ्ट में 1% राइट में स्टार्ट लगा दिया, कर दिया, उस दिन से आप अप प्लान बन चुके हैं। अगर आपको अच्छी नहीं मिली अप प्लान तो आप अच्छे बन जाइए। अगर आप अच्छे बन जाएंगे तो आप इतिहास रच देंगे। और जितने भी नाकामयाब लोग हैं मार्केट में आपको मिलेंगे कि हम फेल हो चुके हैं, और सभी लोग एक ही क्वेश्चन करेंगे, हमें अप प्लान अच्छी नहीं मिली। मान लेते हैं उनको अच्छी नहीं मिली, वो तो आप अच्छे अपलैंड बन जाते हैं ना। और जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहली जंग घर से स्टार्ट होती है, उसके ऊपर मैं आपको स्टोरी सुनानी चाहूंगा। एक इंसान था गांव में, और वो इंसान अच्छा इंसान था, उसको सपना आया एक दिन कि इतनी डेट को रात को 2:35 पे जो हमारे गांव में वो इंसान है जिसकी एज 90 साल है, उसका नाम है जे सो एंड सो, उसकी डेथ हो जाएगी। तो हुआ ऐसे ही, उसी डेट को उतने बजे उस इंसान की डेथ हो जाती है, सपना सच हो जाता है। वो बड़ा हैरान,
यार ये सपना तो मेरे को आया था एडवांस में, बाकी वो इंसान की डेथ हो चुकी है, फिर सपना आता है सेम भी इतनी डेट को, रात को इतने बजे इतने मिनट पे वो जो लेडीज है जिसकी एज 55 साल है उसकी डेथ हो जाएगी। जब वो सुबह उठता है पता करता है तो रात को उसी डेट को उस लेडीज की डेथ हो जाती है। वो बड़ा हैरान यार, जो जो सपना आता है वो सच हो जाता है। और उसके बाद होता क्या है, उसी इंसान को सपना आता है कि आज मैं सोया, कल रात जो आएगी, कल रात को 12:05 पे मेरी डेथ हो जाएगी। अब वो इंसान टेंशन में, यार उस इंसान का भी सपना आया था वो उसकी डेथ हो गई थी, उस लेडीज का सपना आया उसकी भी डेथ हो गई थी, सपना सच होता है तो डेथ मेरी भी तय है कल। उसने क्या किया, प्लानिंग बनाई कि क्या ऐसी प्लानिंग बनाऊं कि जिससे मैं बच पाऊं। पूरा दिमाग उसने लगाया, जब दिमाग उसने लगाया पता चला कि जब उनकी डेथ हुई थी दोनों की, जो जमदूत आए थे उनको लेने के लिए, जब लेने के लिए आए वो सोए पड़े थे, पांव की तरफ खड़े, पांव की तरफ से उनकी जान उन्हें निकाली। तो उसने एक आइडिया लगाया, अगर अपने पांव मैं नीचे रख लेता हूं तो वो मेरे को अपने साथ जो जमदूत होंगे वो लेके नहीं जा पाएंगे। और जैसे ही 12 बजे उसने अपना कार्यक्रम स्टार्ट किया, अपना जो चारपाई थी वो दीवार के साथ लगाई, एक रस्सा था दीवार के साथ लगा के चारपाई, चारपाई के साथ रस्से को लपेटा, खड़ गया ऐसे कि जब वो टाइम आएगा, 5 मिनट अभी पेंडिंग है, तो मेरे पांव की तरफ तो वो देख नहीं पाए, रुक नहीं पाएंगे तो मेरे को लेके नहीं जा पाएंगे। और जैसे ही वो एंटर होते हैं वो उच्ची उच्ची आवाज में बोलना स्टार्ट करता है कि आप मेरे को लेके नहीं जा पाओगे, जितना भी जोर लगाना लगाएं, क्योंकि आप मेरे पांव से जान निकालेंगे और मेरे पांव धरती पे लगे हैं और समय निकल जाएगा, आपको वापस जाना पड़ेगा और मैं ऐसे बच जाऊंगा। तो घर वाले देख रहे हैं भी अंदर क्या हो रहा है, इतनी ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। 12 बजे थे और 5 मिनट अभी पेंडिंग थे, वो आ चुके थे लेके जाने की प्लानिंग कर रहे थे। और घर वालों ने क्या किया, दरवाजा खोलना स्टार्ट किया और कुंडी अंदर बंद थी, दरवाजा बंद था और गौरव ने जोर से दरवाजा तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अब जो जमदूत थे वो तो दिखाई नहीं दे रहे, वही इंसान दिखाई दे रहा है जो ऊंची ऊंची बोल रहा है, विजय तो कुछ हो गया इसको, इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, ऐसे ऐसे कैसे क्यों कर रहे जे। उन्होंने उसकी चारपाई को सेट कर दिया, जैसे ही सेट किया अब जमदूत तो 5 मिनट हो चुके थे, कंप्लीट समय आ चुका है, उन्होंने उसकी जान को निकाल लिया, बंदे की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद वो जाता है धर्मराज के पास, धर्मराज गुस्से से बात कर रहा है धर्मराज से कि जो ये जमदूत गए थे इनमें दम नहीं था मेरे को लेके आने के लिए, मैंने तो प्लानिंग की जबरदस्त की थी, मेरे को तो अपने घर वालों ने मरवा दिया, ये लेके नहीं आ सकते थे, और अगर समय टल जाता तो जिंदगी में कोई भी मेरे को कुछ होने वाला नहीं था। तो दोस्तों जो आपकी पहली जंग होगी वो आपके घर से स्टार्ट होगी, अगर आप घर की जंग है जो जीत जाते हैं तो बाहर की जंग जीतने से आपको कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, और एक बात बताना चाहूंगा आपको, हर कोई इंसान जो अच्छा काम होता है वो बोलता है मैंने किया, और जो गलती होती है वो टीम ने की, मेरे फादर साहब ने की, मेरी मैडम ने की, मेरी माता ने की, मेरे बेटे ने की, मेरे पड़ोसी ने की, राइट। ऐसा इंसान आपको कोई भी मिलने वाला नहीं है जो अपनी गलती को गलती मान ले। और जो इंसान ये बोलता है जो गलत काम हुआ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर मैं इसको सही तरीके से करता तो ये सही हो जाता, वो इंसान कामयाब हो जाता है। आज के बाद आपने सोचना है मेरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, होम मीटिंग किसने करनी है,
मैंने करनी है, वीकली मीटिंग किसने करनी है, मैंने करनी है, सेमिनार किसने करना है, मैंने करना है, सीखिए। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो डिपेंड मत रहिए किसी के ऊपर। जो हमारी अपलाइन करती है, जितना वो कर सकती है वो करती है, सबके लिए करती है, लेकिन अगर आप कामयाब करना होना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ बाकी लोगों से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जे अपने आप ब्रेन में फिट कर लें, राइट। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारा प्लान कंपनी ने ऐड किया है, चेंज नहीं किया, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। जब से मैंने काम स्टार्ट किया है कंपनी ने ऐड ही किया है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो 100 कैप्सूल आते थे, उसके बाद कितने कैप्सूल आने स्टार्ट हुए, 120। जब मैंने स्टार्ट किया तो रिवार्ड नहीं होते थे, फिर रिवार्ड आने स्टार्ट हुए। जब मैंने स्टार्ट किया अवार्ड नहीं होते थे, फिर अवार्ड आने स्टार्ट हुए। जब मैंने स्टार्ट किया टूर नहीं होता था, टूर आना स्टार्ट हुआ। और आज तक 3 सालों में जो भी कंपनी ने किया है वो ऐड किया है, ये बड़ी खुशी की बात है, ऐड ही किया है। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कंपनी की तरफ से हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ऋषिकेश पाठक जी को कि जो हमारा बिजनेस प्लान है उस स्लाइड को शेयर करें प्लीज। बिल्कुल सर, थैंक यू। अभी ऋषिकेश पाठक जी पीपीटी को हमारी को सेट कर रहे हैं, तब तक एक बात और बताना चाहूंगा। जब मैंने काम स्टार्ट किया तो एक चैलेंज आता था मेरे पास, हर बंदा बोलता था मेरे को, सर प्रोडक्ट दीजिए, प्रोडक्ट दीजिए, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। तो मैं एक ही बात बोलता था, जब स्टार्ट करते हैं ना, बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन होते हैं कि सर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं, अपलाइन प्रोडक्ट देगी। अगर आप जिंदगी में करोड़पति बनना चाहते हैं तो कम से कम 10 प्रोडक्ट आप अपने पास रखना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपनी टीम के प्रोडक्ट पूरे नहीं कर सकते, और कोई भी लीडर अपनी टीम का प्रोडक्ट पूरा नहीं कर सकता, अपने पास प्रोडक्ट रखने स्टार्ट कर दीजिए। और स्लाइड ओके हो चुकी है। बिजनेस प्लान, सबसे खुशी की बात क्या है कि हमारा जो बिजनेस प्लान है इसमें जो हमारी रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज्वाइन होने के लिए किसी भी इंसान को कोई पैसा नहीं देना पड़ता। और नेक्स्ट, अगली खुशी की बात क्या है कि हमारे 3 प्रोडक्ट हैं। पहला प्रोडक्ट है रिनाटस नोवा, जिसका एमआरपी प्राइस है 1794 रुपए, जिसका डीपी प्राइस है 1350 रुपए, जो रिटेल प्रोडक्ट है वो है 444 रुपए। कंपनी ने पूरे वर्ल्ड में प्लान को चलाने के लिए पहले से प्लानिंग की है, इसलिए कंपनी ने सीसी रख दिया। सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी। एक सीसी की जो वैल्यू है वो है 60 रुपए। अगर आप एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको 16 सीसी मिलते हैं, तो 16 सीसी मल्टीप्लाई 60 अगर आप करेंगे तो 960 रुपए बन जाते हैं। जो आपको कमीशन मिलेगा वो 960 रुपए के ऊपर मिलेगा जीएसटी वगैरह कट होने के बाद। और जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वो है नोवास्टीन, जिसका जो एमआरपी प्राइस है वो है 460 रुपए, जो डीपी प्राइस है वो है 354 रुपए, और जो सीसी है, जो टेल प्रॉफिट है सॉरी, वो है 106, और जो सीसी है वो है 4। और जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट है वो है एलोस्टीन 360, जिसका एमआरपी प्राइस है, डीपी प्राइस है 290, और जो रिटेल प्रॉफिट है वो है 70 रुपए, और जो सीसी है वो है 3। और तीनों के 3 प्रोडक्ट इतने अल्टीमेट है, अगर आप किसी को देंगे फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट देने के लिए आपको उसको बताना पड़ेगा, लेकिन सेकंड टाइम वो अपने आप आपको डिमांड करेगा। ये खासियत है हमारे प्लेटफॉर्म। और इन तीनों में से एडी टॉप अप करने के लिए कोई भी एनी वन प्रोडक्ट लेके आप अपनी एडी टॉप अप कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट लेके भी आप एडी लगा सकते हैं। अब जब आप अपनी एडी के ऊपर 32 सीसी कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे भी करें कोई भी प्रोडक्ट लें, लेकिन जहां पे मैंने एग्जांपल लिया रिनाटस नोवा का जो हमारा बेस प्रोडक्ट है,
मान चलो आपने दो प्रोडक्ट परचेज किए, दो पीस, आपका पैसा जो आप कंपनी को पे करेंगे वो करेंगे 2700 रुपए, और जो आपके सीसी रहेंगे वो रहेंगे 32, और आपको जो टीम टर्नओवर बोनस आपको मिलने वाला है वो है 4%। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त बोलेंगे पहले 8 था अब 4 कैसे है। फ्रेंड कंपनी ने प्लान को सही तरीके से बताने का हमें तरीका बता रहे हैं। 4% ए लेग से मिलने वाला है, 4% बी लेग से मिलने वाला है, 4% आपको सी लेग भी अगर आप ओपन करते हैं वहां से मिलने वाला है, अगर आप डी भी ओपन करते हैं 4% वहां पे मिलने वाला है, अगर आपको पहले की तरह आप इसको बोलेंगे तो भी 8% ही मैचिंग इनकम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ बोलने के शब्द चेंज हुए हैं। और अगली खुशी की बात क्या है कि पहले हमें 4 प्रोडक्ट एक साथ लेने पड़ते थे, अब क्या करना है आपने 32 सीसी के बाद आप कोई भी प्रोडक्ट लें, जैसे ही आपके टोटल 96 सीसी कंप्लीट हो जाते हैं, भले आप 4 पीनट सुनोवा लें, भले आप एक एक प्रोडक्ट करके प्रोडक्ट को लें, भले आप पेस्टों के साथ जाएं, भले आप किसी प्रोडक्ट के साथ जाएं, जैसे 96 सीसी हो जाते हैं तो आप 5% टर्नओवर बोनस लेने के हकदार हो जाते हैं। 5% आपको ए से बी से सी से सबसे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही आपके सीसी कंप्लीट होते हैं 160, अगर आप रिनट स्नोवा लेते हैं 10 तो 160 हो जाते हैं, वो 10 प्रोडक्ट आप एक एक प्रोडक्ट करके भी लेते हैं तो भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको 6% टर्नओवर बोनस मिलना स्टार्ट हो जाता है, और 6% लेने के लिए आपको डायरेक्ट 250 विद इन वीक कंप्लीट करना पड़ता है, और जैसे ही आप 288 सीसी कंप्लीट कर लेते हैं 18 प्रोडक्ट रिनर्ड स्नोवा के या अलग अलग प्रोडक्ट लेके 288 सीसी कंप्लीट कर लेते हैं, भले एक एक प्रोडक्ट करके लें, तो आप 7% टर्नओवर बोनस लेना स्टार्ट कर देते हैं। यहां पे आपको पहले हम बोलते थे 14, अब आपको ए से भी 14, बी से सॉरी ए से भी 7, बी से भी 7, सी से भी 7, तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये 14 ही बनेगा, राइट। तो 500 सीसी आपको बनना कंपलसरी है, जैसे पहले था सेम डिटो, किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे ही आप अपनी आईडी पे 40 प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं या कोई भी प्रोडक्ट लेके 640 सीसी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 8% लेने के हकदार हो जाते हैं। सेम जैसे पहले 16 था, अगर आपकी 2 लेग है, पहले आपको 16% मैचिंग आता था, अब 8% लेफ्ट से 8% राइट से आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टर 1000 बनना आपके लिए कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैं इस स्लाइड में आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, चेंज कुछ नहीं हुआ, प्लान वही है, सेम है, ठीक, थोड़ा बताने के लिए हमें फर्क पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब हम मल्टीपल लेग भी खोल सकते हैं। अगर आपकी 2 लेग हैं तो भी कमीशन आपको उतना ही आएगा, अगर आपकी 3 लेग है कमीशन उतना ही आएगा, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप 2 में खेलना पसंद करते हैं, बेटर 2 में ही है, राइट, देखना आपने है। नेक्स्ट, अब क्या करते हैं हम, मान के चलें कि आपने 6 प्रोडक्टों के साथ अपनी एडी को कंप्लीट किया, जहां पे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि कमीशन टर्नओवर जो हमें टीम टर्नओवर बोनस हमें जो मिलेगा वो कैसे मिलता है। 6 प्रोडक्ट के साथ आपने अपनी आईडी को अपग्रेड किया तो यहां पे आप कितने परसेंट लेने के हकदार हैं, 6 प्रोडक्टों के साथ मात्र 10%, राइट। जहां पे भी कितना लिखा रहा है 5, तो 5 आपकी लेफ्ट से 5 आपकी राइट से, राइट। और जहां पे मान के चलें कि आपने एक बंदे को साइन किया 4 प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि हमारे पैकेज अभी खत्म हो चुके हैं, पैकेज आप खुद बनाएंगे, जो भी पैकेज आपको अच्छा लगता है बोल सकते हैं। अब एक बंदे के पास आप जाते हैं, एक पर्सन को आप बोलते हैं कि आप 4 प्रोडक्ट बाय करें, वो 9400 रुपए 5400 रुपए आपको देता है और 4 प्रोडक्ट बाय करता है, और आपकी राइट साइड में जहां पे दिख रहा होगा आपको कितना बिजनेस है, 0 सीसी, कुछ नहीं है। तो पहले हमें कुछ पैसा नहीं आता था, जैसे मैं बोल रहा हूं हमारा प्लान कंपनी ने कुछ ऐड किया है, चेंज नहीं किया, पहले कुछ पैसा यहां पे नहीं आता था, लेकिन अब क्या होगा कि आपने जो अपनी आईडी पे 6 प्रोडक्ट परचेज किए, 2 प्रोडक्ट के साथ 32 सीसी के साथ आपकी आईडी कंप्लीट हो चुकी है,
जब आप 32 CC कंप्लीट करते हैं तो आप इनकम लेने के हकदार हो जाते हैं। जो एक्स्ट्रा आपने 4 प्रोडक्ट परचेज किए उसके साथ आप 5% टीम टर्नओवर बोनस भी ले रहे हैं, राइट। जो 4 प्रोडक्ट हैं वो नीचे जो आपने 4 के साथ पर्सन साइन किया उसके साथ मैचिंग इनकम आपको 5% मिलेगी, तो 360 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। पहले आपको अपनी आईडी को टॉप अप करने से कुछ नहीं आता था, और अब आप अपनी आईडी को टॉप अप करेंगे तो आपको पे आउट भी आएगा। आप एक बात ध्यान से सुनिए, अब होगा क्या, जो डेड रेशो है बहुत कम हो जाएगी। आपने किसी एक इंसान की 6 प्रोडक्ट के साथ आईडी लगाई, उसके बाद आपके पास कोई शख्स आता है 2 प्रोडक्ट के साथ आईडी लगाता है, आप उसी के नीचे लगा देते हैं एक लेग में, सिंगल लेग में, तो उसको पे आउट आ जाएगा। फिर एक आईडी और लगा देते हैं, फिर पे आउट आ जाएगा। वो देखिए, मैंने बंदा तो साइन नहीं किया, कोई पर्सन तो साइन नहीं किया, पे आउट फिर भी आ रहा है। जैसे कि अभी आपको पे आउट आया 360 रुपए का। नेक्स्ट, तो कई बार ऐसा भी होगा कुछ शख्स अपनी आईडी 32 CC भी कंप्लीट कर चुके हैं, पे आउट लेने के हकदार हो चुके हैं, और उनकी एक लेग में मान के चले 1000 CC कैरी फॉरवर्ड है, काम नहीं किया उन्होंने, ठीक है, मान चलो अपलाइन ने बिजनेस डाल दिया, लेकिन दूसरी साइड में क्या है, 0। अब उसी शख्स ने अपनी आईडी के ऊपर मात्र 8 प्रोडक्ट परचेज किए, और 8 प्रोडक्ट परचेज करने के साथ उसका पे आउट बढ़ेगा 750 रुपए, जबकि पहले ऐसा नहीं था। 8 प्रोडक्ट परचेज किए और उसका पे आउट बनेगा 750 रुपए, और साथ में उसकी एडी 6% के ऊपर चली जाएगी। तो 6% अपने प्रोडक्टों से उसको मिलेगा, और 6 प्रोडक्ट जो उसकी कैरी फॉरवर्ड लग गया वहां से, सेम जैसे पहले हम 12% पे होते थे वैसे ही हम 12% पे हो जाएंगे प्रोडक्ट परचेज करने से, और पे आउट भी बन जाएगा। तो हमारी कंपनी ने जो भी किया है, मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं पूरे इंडिया में ऐसा कोई प्लान नहीं है जितना अच्छा प्लान हमारा हो चुका है। बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करते थे कि अगर हम अपनी खुद की आईडी को टॉपअप करते हैं हमें क्या मिलेगा, हम बोलते थे टॉपअप हो जाएगी, पैसा नहीं मिलेगा, हम बोलते थे नहीं मिलेगा, लेकिन अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप अपनी आईडी को टॉपअप करके भी इनकम कमा सकते हैं अगर आपकी एक साइड में कुछ बिजनेस है, राइट। अब डायरेक्टर 500, अब पहले डायरेक्टर 500 आप कैसे करते थे उसके लिए मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये बताना चाहूंगा आपको कि मान के चले एक साइड में आपके बिजनेस है, हर इंसान की एक लेग बड़ी होती है, दूसरी साइड में आपने बिजनेस किया और एक वीक में मात्र आपने 372 CC का काम कर पाए। अब आपको लगेगा कि मेरा डायरेक्टर 500 तो नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं, अब मैं इस टाइम पे ज्वाइनिंग कहां पे लेके आऊं, और सीसी कितने कम है, मात्र 128 CC कम है, और आप क्या करेंगे, 128 CC अपनी ही आईडी के ऊपर परचेज करेंगे। पहले आप 6% के ऊपर थे, 6 का मतलब पहले की तरह 12 मान के चलें। अब जैसे ही आप अपनी आईडी के ऊपर 128 CC का प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपका लेवल हो जाएगा 7%, जैसे कि हम पहले बोलते थे 14%, अब आपको 7% ए से आएगा 500 CC का, 7% बी से आएगा 500 CC का, तो कितना हो गया टोटल, 14% ही हुआ। अब अगला आप देखें, यहां पे मैंने लिखा 372 CC प्लस 128 CC, ये आपकी बिकर लेग में हो जाएंगे, आपका रैंक हो जाएगा डायरेक्टर 500 और आपका पे आउट बनेगा 4200। आप चेक करना, जब हम पहले 372 CC का काम करते तो कितना पे आउट आता था, अब कितना आएगा, 4200 आपका पे आउट बनेगा, और पहले की तरह आपको 2 प्रोडक्ट गिफ्ट भी मिलेंगे और आपका रैंक हो जाएगा डायरेक्टर 500, और जो पहले की तरह हमारी कंडीशन थी कि एक एसोसिएट आपकी टीम में होना चाहिए, तो एक एसोसिएट आपकी टीम में लेफ्ट में या राइट में होना चाहिए। सेम वही प्लान है, एड ऑन हुआ, जहां पे पैसा कम आता था वहां पे पैसा ज्यादा आना स्टार्ट हो चुका है। और ये डायरेक्टर 500 के ऊपर नहीं अकेला, कि अगर आप बिकर लगे में आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं कि आईडी भी टॉप अप होगी कि बिकर में माना जाएगा, आप
डायरेक्टर 100 बनना चाहते हैं तो भी आप अपने बीकर में प्रोडक्ट परचेज करके वहां पे पहुंच सकते हैं। अगर आप डायरेक्टर 1000 बनना चाहते हैं तो भी अपनी बीकर लेग में प्रोडक्ट परचेज करके आप रैंक क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं तो भी अपनी आईडी पे परचेज करके जो सीसी आपका कम है रैंक क्वालिफाई कर सकते हैं। मान के चलो कि आप डायरेक्टर 100 बन रहे थे, आपके 16 सीसी कम है, तो आप क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट अपनी आईडी पे परचेज करेंगे, वो बिकर में माना जाएगा और आप 100 बन जाएंगे। हम 250 आप बनना चाहते हैं, आपको पता चला कि अगर मैं डायरेक्टर 250 बनता हूं तो मैं 12% लेने का हकदार हूं, नहीं बनता तो मैं 10% लेने का हकदार हूं, तो क्या करेंगे आप अपनी आईडी पे 16 सीसी परचेज कर लेंगे, वो आपकी बिकर में माने जाएंगे और आपकी आईडी में भी अपग्रेड होने में वो एक प्रोडक्ट काम आएगा और डायरेक्टर 250 बन जाएंगे। कोई भी आप रैंक निकालना चाहते हैं, आपके सीसी कम पड़ते हैं, अपनी आईडी पे परचेज करिए और आप रैंक निकाल सकते हैं। अगर 40 प्रोडक्ट भी आप परचेज कर चुके हैं उसके बाद भी अपनी आईडी पे प्रोडक्ट परचेज करेंगे, वो आपकी जो छोटी लग गया है उसमें माने जाएंगे, राइट। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव, तो टोटल रैंकों के लिए माने जाएंगे। एग्जीक्यूटिव बनने के लिए चाहे तो आप 2000 सीसी आपकी लेफ्ट में, 2000 सीसी राइट में, जहां पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा अभी लेफ्ट राइट हमारा खत्म हो चुका है। जितने भी आप पर्सन जैसे ही आप स्पॉन्सर आईडी डालेंगे प्लेस अंडर ऑटोमेटिक उठाएगा, उसी बंदे के डायरेक्ट वो पर्सन लग जाएगा। अगर प्लेस अंडर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको वहां पे डिलीट करेंगे, चेंज कर सकते हैं, स्पिल भी मार सकते हैं पहले की तरह, ठीक। अब देखो पहले हमारा क्या था कि 2000 सीसी ए में 2000 सीसी बी में जैसे आप मैच करते हैं और अपनी टीम में एक डायरेक्टर 1000 निकालते हैं, आपका रैंक होता है एग्जीक्यूटिव, राइट। अब हमारे प्लान में क्या हो चुका है, अगर आप थर्ड लेग ओपन करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 3 लेग चलाना है, 4 लेग चलाना है, 5 लेग चलाना है, क्या होगा, जो आपकी बड़ी लेग है, मान चलो जहां पे जो लिखा हुआ 2000 सीसी एक लेग में, ए में, ए पे आप ध्यान दीजिए, आपकी ए में कितना सीसी है 2000 और आपकी बी में कितना सीसी है 1500 सीसी और आपकी सी में कितना सीसी है 500 सीसी। अब होगा क्या, मान के चलो कि 2000 सीसी आपकी बड़ी लेग में है, 1500 सीसी आपने बी में किया, 500 सीसी सी में किया, अब बी एंड सी अब एक साथ हो जाएंगी, लेग 3 ओपन तो करेंगे लेकिन मैचिंग में एक साथ हो जाएंगी। अब बी एंड सी का सीसी कितना हुआ 2000 और ए का कितना हुआ 2000, जो बड़ी लेग होगी वो एक होगी, जो बाकी जितनी भी छोटी लेग हैं आपकी वो एक हो जाएंगी, तो आप एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। किसी भी रैंक के लिए ऐसे ही चलता रहेगा, भले आप 1000 बने, 500 बने, एग्जीक्यूटिव बने, सीनियर एग्जीक्यूटिव बने और रीजनल एग्जीक्यूटिव तक, ऐसे ही आप अपने रैंक क्वालिफाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव के लिए पहले भी आपको बैक लीजिए सर, बैक एग्जीक्यूटिव के लिए पहले भी 2000 सीसी मैच करना होता था, अब भी 2000 सीसी मैच करना है, अब एक लेग बड़ी होगी, जो बाकी छोटी लेग हैं सभी उसके साथ टोटल होने के बाद मैच हो जाएंगी। पहले भी हमें डायरेक्टर 1000 एक निकालना पड़ता था, अब भी आपको एक डायरेक्टर 1000 निकालना पड़ेगा और आपकी टीम में जितना भी मैचिंग का पैसा टोटल टीम को मिलेगा उनके पे आउट का 10% एडवांसमेंट जनरेशन पहले भी आता था, अब भी आएगा, राइट। अब अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव का अप्रोक्सीमेटली पे आउट, मान चलो 20 से 25 हजार रुपए बनता है, 1,00,000 रुपए एक मंथ का एग्जीक्यूटिव का पे आउट बनता है अगर इस तरीके से वो काम करता है। नेक्स्ट, अवार्ड एंड रिवार्ड वो सेम है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, हमें पहले भी 1,10,000 वर्थ का टैब, 5,000 रुपए कैश 6 बार मेंटेन करने के ऊपर मिलता था, अब भी मिलेगा। और सीनियर एग्जीक्यूटिव एक लैपटॉप विद प्रोजेक्टर, 10,000 कैश 6 बार मेंटेन करने के ऊपर मिलता था 12 वीक में, अब भी मिलेगा। रीजनल बढ़ने के ऊपर 12 वीक में 6 बार मेंटेन करने के ऊपर स्मार्ट टीवी एलईडी और 85,000 रुपए कैश पहले ही मिलता था सेम, अब भी मिलेगा। और 33 करोड़ के अवार्ड एंड रिवार्ड जैसे पहले मिलते थे सेम डिटो, अब भी मिलेंगे। अब क्या हुआ कि जो आप अपनी आईडी पे रीपरचेज डालेंगे
वो एक लेग के साथ मैच हो जाएगी। अगर लेग आपकी पहले है तो मैच एडवांस हो जाएगी, अगर लेग नहीं है तो जब आप लेग बनाएंगे तब मैच हो जाएगी, राइट। एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें ये मिला है। नेक्स्ट, जैसे हमें एक रिट्रीट मिलता है, अब इस स्लाइड को ध्यान से देखना, समझ लेना इसको सही तरीके से। जैसे हमें एक साल में 4 रिट्रीट मिलते हैं, 1 night 2 day स्टे इन 5-star and 4-star होटल में स्टे मिलती है हमें, 1 night 2 day। आने जाने का खर्चा हमारा होता है, वहां पे जो भी खर्चा होता है कंपनी की तरफ से होता है, जिस एरिया में 5-star होटल होता है या 4-star होटल होता है वहां पे हमें ये प्रोग्राम मिलता है। ये कब स्टार्ट होता है? 1 January से स्टार्ट होता है 31 March तक। अब फिर नेक्स्ट क्वार्टर कब स्टार्ट होता है? 1 April से स्टार्ट हो जाता है। फिर 3 month चलता है, 1 July से स्टार्ट हो जाता है, 3 month चलता है, फिर 1 October से स्टार्ट होता है, 31 December तक 3 month चलता है। इसके लिए करना क्या होता है? ओनली 3000 CC मैचिंग बिजनेस हमें देना होता है कंपनी को। अगर हम 60 rupees का 1 CC मानते हैं, 3000 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180000 का हमें जो बिजनेस है मैच करना होता है मात्र 3 month में, राइट। इसके ऊपर आपने समझना है अगली स्लाइड को। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको टारगेट क्या लेना चाहिए? नेक्स्ट, इस स्लाइड को आप ध्यान से देखिएगा। मान के चलें फर्स्ट क्वार्टर में आप मात्र 5 लोगों को अपने साथ, 5 पर्सन को रिट्रीट क्वालिफाई कराते हैं अपनी बूथ लेग से। बूथ लेग किसको बोलेंगे? एक लेग आपकी बड़ी लेग है, एक लेग छोटी लेग है, या एक लेग बड़ी लेग है बाकी जितनी लेग आपकी है वो छोटी लेग है। जितनी छोटी लेग है वो एक साथ इकट्ठा होने के बाद टोटल सीसी बड़ी लेग से मैच हो जाता है। फिर मैं बताना चाहूंगा कि भले आप 10 लेग खोल लें, भले आप 2 लेग ही खोल लें, पैसा उतना ही आएगा, देखना आपने है कैसे आपको अच्छा लगता है, राइट। अब आप पहले क्वार्टर में 5 लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं रिट्रीट के ऊपर अपनी बूथ लेग से, छोटी लेगों से। अगले क्वार्टर में वो 5 लोग अपने साथ 5 लोगों को लेके जाते हैं तो 25 चले जाते हैं आपके पर्सन बूथ लेग से। और थर्ड क्वार्टर में वो 5 लोग भी अपने साथ 5 लोगों को ही लेके जाते हैं तो 125 लोग चले जाते हैं। और फोर्थ क्वार्टर में वो जो 125 लोग थे अपने साथ 3 लोग ही लेके जाते हैं, 5 नहीं लेके जा पाते तो 375 लोग चले जाते हैं, जहां पे आपके फोर्थ क्वार्टर कंप्लीट होते हैं और 1 साल कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब टोटल आपकी बूथ लेग से, छोटी लेगों से कितने पर्सन क्वालिफाई करते हैं? अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 550 लोग टोटल होते हैं 1 साल में रिट्रीट क्वालिफाई करने के लिए, राइट। अब एक पर्सन आपको कितना सीसी देगा? 3000 CC आपका मैच होगा अगर आप अपनी छोटी लेगों से इन पर्सन को लेके जाते हैं। 550 मल्टीप्लाई 3000 CC तो कितना सीसी आप मैच करेंगे? 1,650,000 CC आप 1 साल में मैच करेंगे, राइट। और 1,650,000 CC, 1 CC कितने का है? 60 का, मल्टीप्लाई 60 तो कितना सीसी आप देख सकते हैं, कितना सीसी मैच होगा? तो राउंड फिगर वैसे इसको मैं 1 crore ही बोलूंगा, 99 lakh बनता है ना। राउंड फिगर हम बात कर लेते हैं, आपका सीसी कितना मैच हुआ? 99 lakh। दोबारा बताना चाहूंगा, जो आपकी एक लेग छोटी है वहां से, जो आपकी जितने भी छोटी लेग है वहां से एक लेग बड़ी है। मन आपका है, आप 1 leg पे 2 leg पे 3 leg पे 4 leg पे कितने पे काम करना चाहते हैं। 2 leg के ऊपर काम करेंगे तो भी उतना पैसा आएगा, 5 legs के ऊपर प्लान करेंगे तो भी इतना पैसा आएगा। रैंक क्वालिफाई करने के लिए रीजनल एग्जीक्यूटिव तक मैं बात करूंगा आपसे, उतने ही सीसी करने पड़ेंगे आपको जितने आपने करने हैं, चाहे 2 में करें चाहे 5 में करें। वही हमारी टर्म एंड कंडीशन है पहले वाली, चाहे 2 legs में करें चाहे 5 legs में करें, राइट। अब आपने कितना सीसी मैच किया 1 साल में? 99 lakh, वही 1 CR। और 1 CR का अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान के चलो जैसे हमारा प्रोडक्ट लगता है, हमारी कंपनी सीसी का 83% टोटल डिवाइडेशन करती है ना, तो 10% अगर आप मिनिमम मान के चलते हैं, मैक्सिमम नहीं मैं आपको बता रहा, मिनिमम मान के चलते हैं, तो आप
एक साल में वन ईयर अर्न करेंगे, 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको। और यहां से पता क्या चलता है, आपने फोकस किसके ऊपर करना है, रिट्रीट एवरी 3 मंथ बाद स्टार्ट होता है। और ये पीपीटी मैं सबको सेंड कर दूंगा सुबह, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि रिट्रीट कब स्टार्ट होगा और कितना समय पेंडिंग है। इसका आपने आज से टारगेट लेना है कि जो हमारा अभी रिट्रीट चल रहा है कितना समय उसमें पेंडिंग है, डेट पीपीटी में मेंशन है, चेक करना है। अगर आप टारगेट लेके काम करते हैं तो करोड़पति बनना बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि आप सोच नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, अगला हमारा आता है हाफ ईयरली टूर्स। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं यहां पे, इतना मैं एक्साइटेड हूं कि अभी दुबई जा रहे हैं, मजा आएगा, खूब मस्ती मारेंगे। जिन भी दोस्तों ने ये दुबई का टूर क्वालिफाई किया है, मैं अपनी तरफ से सबको कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं। इसके लिए आपको मात्र 6 मंथ में, कहां से स्टार्ट होता है जी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, ये हाफ ईयरली टूर है, एक साल में एक टूर मिलता है आपको। इसमें 3 नाइट 4 डे का आपको टूर मिलता है, राइट। तो जैसे अभी कंपनी दुबई लेके जा रही है, पहले कंपनी मलेशिया लेके गई थी, है ना, सिंगापुर लेके जा सकती है, कहीं भी लेके जा सकती है, एशिया का टूर होता है जी। इसके लिए मात्र आपको 6 मंथ में 45,000 cc मैच करने होते हैं। जैसे एक लेग में 45,000 cc आपके होते हैं, बाकी छोटी एक लेग या उसमें 40,000 cc मैच होते हैं 6 मंथ में, राइट। और अगर आपकी ज्यादा लेग है, एक लेग में 45,000 cc होते हैं और बाकी 2, 3, 4 जो आपकी 5 लेग है उसमें भी 40,000 cc टोटल मिला के हो जाते हैं, तो भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि प्लान को कैसा चलाना चाहते हैं। अगर आप मेरी राय मानेंगे तो अगर कोई पर्सन आप लगाना चाहें सेम ही लगा सकते हैं, 2 लेगों के साथ भी उतना ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो भी आप ये अपना जो दुबई का टूर, सॉरी अपना एशिया का टूर क्वालिफाई कर सकते हैं। और इससे जो अगला हमारा एनुअल टूर है, ईयरली टूर जिसको हम बोलेंगे, उसके लिए आपने करने होते हैं 1,45,000 cc। अब खुशी की बात देखो क्या है, जो आपने हाफ ईयर में 45,000 cc किए वो इसमें ऐड हो जाते हैं, जो आपने 3,000 cc रिट्रीट के लिए किए वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं, टोटल कैलकुलेट हो जाते हैं। एक साल में 1,45,000 cc टोटल करना है आपने, तो आप यूरोप का टूर लेने के हकदार हो जाते हैं, राइट। तो यहां तक हमारी ये